हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, अभी हाल ही में मैंने माती अनक नाम की एक इंडोनेशियन हॉरर थ्रिलर मूवी देखी है जो कि 2019 में रिलीज हुई थी और इसे डर्बी रोमेरो ने डायरेक्ट किया है। माती अनक का अर्थ होता है मृत बच्चा और फिल्म की कहानी को सुनते वक्त आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि वाई इट्स कॉल्ड सो। तो आज के इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी जानते हुए इससे जुड़ी कुछ छोटी मोटी डिटेल्स पे बातें करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो मूवी के ओपनिंग सीन में हम एंडी नाम के एक बच्चे को देखते हैं जिसके डैड उसकी आंखों के सामने ही पजस होकर अपना गला काटकर मर जाते हैं। एंडी की मॉम यहाँ आती है और वो भी पजस हो जाती है, जिसके बाद उनकी गर्दन मुड़ जाती है और वो भी मारी जाती है। एंडी फौरन अपने सिस्टर के रूम में भागता है जहाँ एंडी की सिस्टर उसे अपने पास आने से रोकती है, लेकिन तब तक एंडी रूम के अंदर जा चुका था। इसके बाद रूम का डोर क्लोज होता है और हम व्यूअर्स बस एक चीख सुन पाते हैं। यहाँ से सीन कट होकर एक ऑर्फनेज में शिफ्ट करता है जहाँ ऑर्फनेज के बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। इनमें से एक बोनी नाम का बच्चा था जो फुटबॉल को किक करता है और फुटबॉल पास के शेड में चली जाती है। बोनी टिमी से वो फुटबॉल लाने को कहता है, लेकिन टिमी को अकेले शेड में जाने से डर लग रहा था, इसीलिए वो मना कर देता है। बोनी उसे जबरदस्ती वहां जाने के लिए पुश करने लगता है कि तभी वहां मिस इना आती हैं, जो कि इस ऑर्फेनेज में इन बच्चों की केयर टेकर थी। मिस इना समझ गई थी कि बच्चे शेड में जाने से डर रहे हैं, इसलिए वो खुद शेड से बॉल लाने जाती हैं और कुछ ही देर बाद वो अचानक से बाहर निकलकर बच्चों को डरा देती हैं। इसके बाद इना हंसते हुए बच्चों से कहती हैं कि उन्हें एक मामूली से शेड से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब इस ऑर्फनेज के ओनर मिस्टर रोजमोंड थे, जिन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है एज इफ उन्हें बच्चों से ज्यादा पैसे से लगाव है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा क्योंकि मिस इना और मिस सिटी जब रोजमोंड से ऑर्फनेज का फंड बढ़ा देने की बात करते हैं तो रोजमोंड साफ इनकार कर देता है। तो नेक्स्ट सीन में हम यूएस इना को अपने बॉयफ्रेंड जाका और कलीग सिटी के साथ देखते हैं जहां ये तीनों ऑर्फनेज के लिए शॉपिंग कर रहे थे। वापस आते वक्त इन्हें रास्ते में काफी भीड़ दिखाई देती है और पूछताछ करने में पता चलता है कि पास वाले घर में रह रही पूरी फैमिली की मृत्यु हो गई है। ये वही घर था जिसे हमने मूवी के ओपनिंग सीन में देखा था और ये उसी बच्चे एंडी की फैमिली थी। नेक्स्ट सीन में हम एंडी को पुलिस ऑफिसर के कार में देखते हैं जो कि उसे रोजमोंड के ऑर्फनेज छोड़ने आए थे, और यहाँ रोजमोंड कम फंडिंग का बहाना देकर एंडी को नहीं लेना चाह रहे थे, लेकिन तभी वहाँ इना आती है और वो एंडी की जिम्मेदारी लेने को तैयार हो जाती है। रात को डिनर टेबल पे इना एंडी को दूसरे बच्चों से इंट्रोड्यूस करवाती है कि तभी वहाँ लाइट चली जाती है। लाइट के जाते ही रोजमोंड कहने लगते हैं कि फंड्स इतने लो हो गए हैं कि वो लाइट का कनेक्शन भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो डिनर के बाद हम इना को अपने रूम में देखते हैं जहां वो एक बॉक्स से किसी तरह का पेंडेंट निकालती है जिसमें उसके पेरेंट्स की पिक्चर थी। दरअसल इना खुद भी एक ऑर्फन रही थी और इसीलिए उसके मन में ऑर्फन्स के प्रति इतना स्नेह था। खैर, आधी रात को टिमी वॉशरूम जाने के लिए उठता है और क्योंकि उसे अकेले जाने में डर लग रहा था इसलिए वो बोनी को भी उठाता है, लेकिन बोनी नहीं उठता। टिमी अकेले ही अंधेरे में एक कैंडल लिए रूम से बाहर आता है जहां वो एंडी को ऑर्फिनेज के मेन गेट के बाहर खड़ा पाता है। टिमी एंडी से अंदर चलने के लिए कहते हुए मेन डोर क्लोज कर देता है, लेकिन डोर अपने आप ही वापस खुल जाता है। टिमी की डर के मारे हवा टाइट हो जाती है और एज एन ऑडियंस हम देखते हैं कि टिमी के फेस के साइड में एक शैडो अपीयर होती है जो कि उसके कैंडल को ब्लो करके बुझा देती है। टिमी यहाँ से भागता है और एंडी को आवाज लगाने लगता है। इतने में ही रोजमोंड यहाँ आ जाते हैं और वो टिमी को डांट कर अपने रूम में वापस जाने को बोलते हैं। टिमी रूम में वापस आता है और यहाँ आकर वो देखता है कि एंडी बाहर नहीं था बल्कि अपने ही बेड पे सोया हुआ था। खैर, अगली सुबह सारे बच्चे खेलने के लिए बाहर आते हैं और यहाँ टिमी उन्हें कल रात का सीन बताता है, जिसके बाद वो सब एंडी को शक की नज़र से देखने लगते हैं और कोई भी उससे बात करने या उसके साथ खेलने के लिए नहीं जाता। इना देखती है कि एंडी अकेले उदास खड़ा है, इसलिए वो एंडी के पास आती है और उसे बताती है कि वो भी उसकी तरह एक ऑर्फिन थी। इना के ऑर्फनेज की वार्डन काफी स्ट्रिक्ट हुआ करती थी, लेकिन इना वैसी नहीं है। इना एंडी को सांत्वना देती है कि जल्द ही सारे बच्चे उसके दोस्त बन जाएंगे। इना एंडी का मन बहलाने के लिए उसे अपने साथ मार्केट ले जाती है और यहाँ वो अपना वही पेंडेंट सेल करने आई थी जिसमें उसके पेरेंट्स की पिक्चर थी।
शॉप के ओनर मिस्टर रॉय इना को बताते हैं कि वो इस पुराने से पेंडेंट की ज्यादा कीमत नहीं दे सकते, जिसे सुनकर इना उदास होकर वापस लौटने लगती है। तभी हम व्यूअर्स गौर करते हैं कि एंडी मिस्टर रॉय को घूरता है, जिसके बाद मिस्टर रॉय पता नहीं कैसे सेम पेंडेंट को डबल दाम पे खरीदने के लिए रेडी हो जाते हैं। इना इससे बहुत खुश होती है और वो सब सामान लेने के बाद बच्चों के लिए चॉकलेट्स लेकर ऑर्फेनेज वापस जाने लगती है। दूसरी तरफ हम बोनी और बाकी बच्चों को देखते हैं जो कि टिमी को पकड़ कर उसी शेड में जबरदस्ती बंद कर देते हैं। टिमी जब शेड के अंदर था तब एक क्रीपी सी आवाज में कोई उसका नाम पुकारता है। टिमी यहाँ से चिल्लाते हुए डर के बाहर निकलता है और बाकी बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। तभी मिस इना और एंडी यहाँ आते हैं और वो सब बच्चों को चॉकलेट्स देने लगते हैं। मिस इना बाकी सामान लेकर अंदर चली जाती है और यहाँ सारे बच्चे अपनी अपनी चॉकलेट्स इंजॉय करने लगते हैं। इतने में यहाँ एक डॉग आता है जो एंडी को देखकर भौंकना शुरू करता है, लेकिन एंडी उस डॉग को घूर कर देखता है और वो डॉग अचानक ही यहाँ से भाग जाता है। बाकी बच्चे एंडी को ऐसा करते हुए देख लेते हैं और एंडी को एक फ्रीक समझकर उससे दूर हट जाते हैं। एनीवेज, रात को टिमी की नींद फिर से खुलती है और वो एंडी को वापस डोर के पास खड़ा हुआ देखता है। इस बार टिमी सबको उठा देता है। एंडी दरवाजे के बाहर जाता है और वो लोग भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम मिस इना को देखते हैं जिनकी नींद खुल जाती है और वो अपने रूम में एक लड़की को देखती हैं जिसके चेहरे और कपड़े पे ब्लड लगा हुआ था। वो लड़की इना को देखकर एक ही चीज़ रिपीट करे जा रही थी, ऑलरेडी ऑलरेडी। अचानक इना की आँख खुलती है और वो इसे एक बुरा सपना समझकर वापस सोने चली जाती है। बट एज एन ऑडियंस हम देखते हैं कि इना के पीछे एक भूतिया आकृति थी जो कि उसके बेड पर लेटी हुई थी। दूसरी तरफ बच्चे एंडी के पीछे पीछे बाहर आ गए थे और शेड के पास आते ही बोनी को कोई शेड के अंदर खींच लेता है। बोनी शेड के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है लेकिन शेड का डोर लॉक हो गया था और तभी बोनी को शेड के अंदर एक ओल्ड लेडी दिखाई देती है जो कि बोनी की तरफ आने लगती है। बोनी दरवाजे को पीटने लगता है और वो ओल्ड लेडी हंसते हुए उसके और करीब आ जाती है। तभी इना यहाँ शोर सुनकर आ जाती है और यहाँ आकर वो बोनी को निकाल लेती है। नाउ सीन शिफ्ट होकर गर्ल्स के रूम की तरफ फोकस करता है, जिनके रूम का डोर अपने आप ही खुल जाता है और सभी लड़की इस आवाज से जग जाती हैं। वो लोग डोर के बाहर से एक डार्क फिगर को उनके रूम की तरफ आता हुआ देखती हैं और वो डार्क शैडो एकदम से उनके रूम में एंटर कर जाता है। सारी लड़कियां रूम से बाहर चिल्लाते हुए भागती हैं और इतना शोर सुनकर मिस्टर रोजमोंट यहाँ आते हैं। वो लड़कियों से कहते हैं कि ये सब बस एक वहम था और ऐसा कहकर उन्हें रूम में वापस जाने को कहते हैं। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हम ऑर्फेनेज में एक रीटा नाम की लेडी को आते हुए देखते हैं जो कि मिस्टर रोजमोंट को ऑर्फेनेज के लिए अच्छा खासा डोनेशन देने आई थी। वहीं दूसरी तरफ बोनी और उसके फ्रेंड्स वॉल पे एक पिक ड्रॉ करके उसके नीचे रोजमोंट का नाम लिख देते हैं और उसे देखकर हंसने लगते हैं। जब एंडी यहाँ आता है तो वो भी इस ड्राइंग को देखकर हंसने लगता है। अब बाकी बच्चे तो यहाँ से चले जाते हैं और उसी टाइम पे रोजमोंट यहाँ आ जाते हैं और वो एंडी को उस ड्राइंग के सामने देखकर सोच लेते हैं कि एंडी ने ही ये ड्राइंग बनाया है और गुस्से में वो एंडी को मारने लगते हैं। एंड मौके पर इना आकर एंडी को बचा लेती है, लेकिन एंडी रोजमोंट की तरफ घूरने लगता है, जिसके ठीक बाद अचानक से ही रोजमोंट की तबीयत बहुत बिगड़ने लगती है और वो फेंट भी हो जाते हैं। इना रोजमोंट को उनके रूम में ले जाती है और बाहर आकर उस ड्राइंग को साफ करने लगती है। जाका भी यहाँ आ जाता है और इना की हेल्प करने में लग जाता है। उस रात को रोजमोंट को अपने सुबह के बर्ताव पर शर्मिंदगी महसूस होती है और वो स्टिक को तोड़ देते हैं जिससे उन्होंने एंडी को मारा था। तभी रोजमोंट को ऐसा फील होता है कि कोई उनका नाम पुकार रहा है, बट उन्हें रूम में कोई नहीं दिखता। रोजमोंट को रियलाइज होता है कि शायद ये आवाज सीलिंग से आ रही हो, इसलिए वो टॉर्च लेकर सीलिंग को चेक करने जाते हैं। वहां टॉर्च अपने आप ही बंद हो जाती है और वापस टॉर्च ऑन करने पर रोजमोंट को अपने सामने एक डार्क शैडो दिखाई देती है। वहीं दूसरी तरफ इना के रूम में इना की नींद खुलती है क्योंकि उसे लग रहा था कि कोई उसके कान में डेड डेड रिपीट कर रहा था। इना को वो आवाज़ अपने कपबोर्ड से आती हुई लग रही थी, इसलिए वो अपना कपबोर्ड खोलती है, बट उसके अंदर कोई नहीं था। जैसे ही वो कपबोर्ड का डोर क्लोज करती है, उसे अपने सामने एक आदमी का घोस्ट दिखता है जो कि अचानक ही गायब हो जाता है। इना रियलाइज करती है कि उसके बेड पर एक औरत बैठी हुई थी जो कि एक वर्ड रिपीट कर रही थी, विच वॉज रन रन, और वो औरत भी गायब हो जाती है। तभी अचानक इना को बाहर से किसी की चीख सुनाई देती है। ये चीख सिटी की थी और बाहर जाने पे इना को रोजमोंट की लाश मिलती है। जी हाँ दोस्तों, किसी ने रोजमोंट को मार डाला था और उनके पैर भी पलट गए थे। इतने में ही कोई फोर्स सिटी को अंदर वाले रूम में खींच ले जाता है। सब अंदर रूम में जाते हैं जहां उन्हें सिटी की भी डेड बॉडी पड़ी हुई दिखाई देती है, बट जैसे ही वो रूम के साइड में देखते हैं वहां उन्हें सिटी डरी हुई बैठी जिंदा दिखाई देती है और वो डेड बॉडी ऑल ऑफ ए सडन गायब हो जाती है। अब इतना सब कांड होने के बाद अगली सुबह सिटी ऑर्फेनेज छोड़कर जा रही थी और वो इना से भी ये जगह छोड़कर भाग जाने को कहती है।
इना बच्चों को कहीं छोड़कर नहीं जाने वाली थी, इसलिए वो उन्हीं के साथ रुकने का डिसाइड करती है। इना अंदर आती है और यहाँ सारे बच्चे इना से यही बात कहते हैं कि एंडी के आने से ही यहाँ अजीबोगरीब चीज़ें होने लगी थी और वो किसी तरह उसे इस ऑर्फेनेज से बाहर निकाल दे। इना ये सब सुनकर फ्रस्ट्रेट हो जाती है और यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम इना को रोजमोंड के रूम में देखते हैं, जहाँ इना को एक न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें एंडी की फैमिली के मर्डर की न्यूज़ छपी हुई थी। इना इस आर्टिकल में एंडी के पेरेंट्स और उसकी सिस्टर को देखती हैं एंड शी रियलाइजेज कि उस दिन जो लड़की उसे अपने रूम में दिखाई दी थी वो एंडी की सिस्टर की घोस्ट थी और कल रात को जो आदमी औरत उसे अपने रूम में दिखाई दिए थे वो एंडी के पेरेंट्स के घोस्ट थे। अब रात को इना सभी बच्चों के साथ सेम रूम में सोती है क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें घोस्ट का डर था। कुछ देर बाद इना की आँख खुलती है और उसे ऐसा फील होता है एज इफ मेन डोर के पास कोई खड़ा है। इना अपने हाथ में एक नाइफ लेकर मेन डोर से बाहर जाती है और यहाँ आने पर उसे ऑर्फनेज के रूफ पर कोई खड़ा दिखाई देता है। इना जल्दी से अंदर भागती है और मेन डोर को लॉक करके एक चेयर पर बैठकर पहरेदारी देने लगती है। थोड़ी देर में इना की आंख लग जाती है और सुबह जाका आकर इना को उठाता है। इना घबरा कर जाका को ही चाकू दिखाने लगती है एंड सडनली वो जाका की बाहों में ही बेहोश हो जाती है। नाउ इना को जब होश आता है तब वो अपने सामने जाका और मिस रीता को देखती हैं। मिस रीता यही उनके साथ रुकने का डिसाइड करती है और बच्चों की देखभाल में इना की मदद की बात करती है। रात को जाका नोटिसेस कि एना नाम की एक बच्ची वॉल पर पजस स्टेट में लटकी हुई है और ऑलरेडी डेड रन रिपीट किए जा रही थी। सब बच्चे डर के उठ जाते हैं और एक साइड में खड़े हो जाते हैं। एना पजस स्टेट में जाका पे अटैक कर देती है और उसे जान से मारने लगती है। मिस रीटा यहाँ आकर एना के सर पर हाथ लगाकर कुछ चांट करती हैं जिससे एना शांत हो जाती है और वो जाका को छोड़ देती है। दूसरी तरफ हम बोनी को अजीब बिहेव करते हुए देखते हैं और अब वो पजेस्ड हो जाता है और मिस रीटा पे ही अटैक कर देता है, लेकिन जैसे तैसे मिस रीटा चांटिंग करके बोनी को भी अनकॉन्शियस कर देती है। नाउ यहाँ से सीन उसी पुलिस ऑफिसर पे फोकस करती है जो कि एंडी के केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। उस ऑफिसर को एंडी के एक अंकल का कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाता है और वो उनसे कॉन्टैक्ट करता है। एंडी के अंकल से बात करके उन्हें कुछ ऐसा पता चलता है जिसे सुनकर वो सीधा ऑर्फनेज की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ इना और जाका एंडी के घर इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं। उस घर के हर रूम में ब्लड स्टेन्स लगे हुए थे। घर में यहाँ वहाँ देखने पर जाका को एक एंशियंट लॉकेट मिलता है और जैसे ही इना उस लॉकेट को टच करती है उसे कुछ विजन्स आना शुरू हो जाती है। इन विजन्स में इना उस दिन में पहुँच जाती है जब एंडी की फैमिली का मर्डर हुआ था। अब यहाँ हम मूवी के स्टार्टिंग सीन को एक बार फिर देखते हैं, बट इना को यहाँ किसी की आवाज़ आ रही थी जो कि एक ही चीज़ रिपीट कर रही थी, ऑलरेडी डेड रन। अब इना को एंडी अपनी सिस्टर के रूम की तरफ भागता हुआ दिखाई देता है। इना भी उस रूम में जाती है और उसे वहाँ एंडी के सिस्टर की लाश मिलती है। इना इस विजन से डिस्टर्ब हो जाती है और चिल्लाना शुरू करती है। खैर, नेक्स्ट सीन में हम इना को बेड पर देखते हैं जिसके सामने जाका और मिस रीटा बैठे होते हैं। जाका इना को बताता है कि इना एंडी के घर में बेहोश हो गई थी जिसके बाद वो उसे वापस ऑर्फनेज ले आया और मिस रीटा भी यहाँ आ गई थी उनकी हेल्प करने के लिए। थोड़ी देर बाद इना और जाका पुलिस स्टेशन जाते हैं ताकि वो एंडी के केस के बारे में पता कर सकें। वहाँ इन्हें कोई दूसरा पुलिस ऑफिसर मिलता है जिसे इस केस के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। इना को पुलिस स्टेशन में कुछ बॉक्सेस दिखते हैं जो कि मिस रीटा ने उनके ऑर्फनेज में डोनेट किए थे। पुलिस ऑफिसर उन्हें बताता है कि कोई रीटा नाम की लेडी इन बॉक्सेस को लेने नहीं आई थी, ना ही इस शहर में रीटा नाम की कोई लेडी है। ये जानकर इना और जाका शॉक्ड रह जाते हैं और वो जल्दी से ऑर्फनेज की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम उस पुलिस ऑफिसर को भी देखते हैं जो एंडी के केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और वो भी ऑर्फनेज के पास पहुंच जाता है। ऑर्फनेज में लाइट नहीं थी इसलिए ऑफिसर इस अंधेरे में ही आगे बढ़ता है। मीनवाइल इना और जाका जब ऑर्फनेज के पास पहुंचते हैं तो उन्हें यहाँ सन्नाटा मिलता है और वो समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ चल रही है। ऑर्फनेज के अंदर आते ही वो देखते हैं कि चारों तरफ कैंडल्स वगैरह जल रही थी और बोनी को किसी ने टाई अप करके छोड़ रखा था। यहाँ वो दोनों जैसे ही बोनी को खोलते हैं तभी एज एन ऑडियंस हम उन दोनों के पीछे किसी को देखते हैं जो कि उन पर अटैक कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम उस ऑफिसर जाका और इना को शेड में बंधा हुआ देखते हैं। यहाँ उन लोगों के सामने कोई और नहीं बल्कि मिस रीटा खड़ी थी और शॉपकीपर मिस्टर रॉय खड़े थे। उन लोगों ने एंडी को एक टेबल पर लिटा रखा था। मिस रीटा इना को बताती है कि एंडी के शरीर में डेविल है जिसके लिए वो उसे 7 बच्चों की बलि दे रही हैं और ऐसा करने से डेविल खुश होकर उसकी सारी विशेष पूरी कर देगा।
वो एंडी को महाराजा कहकर पुकार रही थी। इस पॉइंट पे जागा किसी तरह अपनी रस्सियां खोल लेता है, जिसके बाद वो ऑफिसर और इना को भी फ्री कर देता है। एंड देन ऑफिसर और जागा रीता और उसके साथियों पर अटैक कर देते हैं और इना को यहाँ से भाग जाने के लिए कहते हैं। रीटा की एक साथी इना पे अटैक करती है और इना डिफेंस में उसे जान से मार देती है। ऑफिसर बुरी तरह जख्मी हो गया था और वो यहाँ इना को बताता है कि उसे एंडी की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि एंडी की दरअसल 3 साल पहले ही मृत्यु हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, ऑफिसर इना को बताते हैं कि एंडी की डेथ के बाद एंडी के पेरेंट्स काफी डिस्टर्ब हो गए थे और ऐसे में उन्होंने एक ब्लैक मैजिक परफॉर्म करने वाली लेडी की मदद ली ताकि वो अपने बेटे को वापस जिंदा कर सके। वो ब्लैक मैजिक परफॉर्म करने वाली लेडी और कोई नहीं बल्कि मिस रीटा ही थी, जिसने एंडी के शरीर में डेविल को जगह दे दी और इसके थ्रू अपना रिचुअल परफॉर्म करने लगी। डेविल ने सबसे पहले उस फैमिली का सैक्रिफाइस लिया जिसने उसे बुलाया था। नेक्स्ट मिस रीटा ने एंडी को जानबूझकर उस ऑर्फनेज में पहुंचा दिया ताकि 7 बच्चों के सैक्रिफाइस में उसे कोई दिक्कत ना हो। मिस रीटा ने ऑर्फनेज में जानबूझकर डोनेशन दिया था ताकि वो इना और रोजमोंट की नजरों में अच्छी बन सके और ऑर्फनेज में जब चाहे तब आ जा सके। तभी दूसरी तरफ हम एंडी की बॉडी को हवा में लेविटेट करते हुए देखते हैं और यहाँ उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी। इना किसी तरह यहाँ से बाहर आती है बट यहाँ उसे रीटा के बाकी साथी घेर लेते हैं। रीटा यहाँ आती है और वो इना को बताती है कि अब उसके महाराजा जाग चुके हैं और यहाँ इना नोटिसेस कि रीटा और उसके साथियों के गले में वही लॉकेट थे जो कि उसे एंडी के घर पे मिला था, यानी कि ये सब किसी कल्ट के मेंबर्स थे। एंडी यहाँ आता है और सब उसके सामने झुक जाते हैं। रीटा इना की तरफ बढ़ती है टू मेक हर फाइनल सैक्रिफाइस और वो इना के गर्दन पे चाकू रखती है बट अचानक ही वो खुद को ही स्टाब कर लेती है और उसके बाकी साथी भी हवा में ऊपर उठकर मर जाते हैं। एंडी हंसने लगता है और वो इना की तरफ हाथ बढ़ाता है। इना उसका हाथ पकड़ लेती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मैपियाना की कहानी और अब हम और आप मिलकर इस मूवी के एंडिंग को डिस्कस करेंगे। सो मूवी के लास्ट सीन में हम एंडी को इना को बचाते हुए देखते हैं क्योंकि इना ही अकेली इंसान थी जो उसके साथ बुरे सिचुएशन में भी अच्छे से पेश आई थी। डेविल को इना पसंद आ गई थी लेकिन डेविल इना के अच्छाई को भी खत्म करना चाहता था, जिस वजह से वो इना को अपने साथ ले गया। ये एक तरह का डिपिक्शन है विच शोज कि डेविल ने फाइनली इना के अच्छाइयों को भी मार डाला है। अब अगर आपने ध्यान दिया हो तो एंडी के रिलेटिव्स हमेशा ऑलरेडी डेड रन बोलते थे और ऐसा इसीलिए क्योंकि वो लोगों को बताना चाहते थे कि एंडी ऑलरेडी डेड यानी कि पहले से मर चुका है तो उससे बच के भागो। इस फिल्म की सेटिंग मुझे काफी हद तक हेरिडेटरी मूवी की याद दिलाती है जो कि काफी क्रीपी सी फिल्म थी। दोनों फिल्मों के एंड में डेविल विंस और लोग डेविल को पूज रहे थे लाइक अ महाराजा। इस तरह की फिल्में डीप विद इन काफी डार्क सी होती है और यही वजह है कि कई हॉरर लवर्स ऐसी एंडिंग्स को पसंद करते हैं इंक्लूडिंग मी। तो ये थी मूवी मैपियाना की एक्सप्लेनेशन। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसी वीडियोज लाते रहते हैं। पीस।